हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पेपर टू कॉमर्स का एक सब्जेक्ट, दैट इज यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो हमारा बिजनेस स्टेटिस्टिक्स है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है हमारा स्टेटिस्टिकल टेस्ट। टेस्ट के नाम पर हमारे यहाँ जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्केयर, एफ और कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और भी हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे, इंडिकेट द करेक्ट कॉर्ड। आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट दी गई हैं, अगर हम इनको पढ़ें तो हमें उनमें देखना है विच वन इज करेक्ट और विच वन इज नॉट करेक्ट। सो कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। हमारे यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। ये कह रहा है स्टेटमेंट सर दे आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल अजम्पशंस। टी टेस्ट और एफ टेस्ट में अजम्पशंस दोनों की कहता आइडेंटिकल है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों की अजम्पशंस आइडेंटिकल ही होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सेकंड को पढ़ते हैं, फर्क क्या है फिर। कहता टी टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स एंड एफ टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स। तो ये चीज आप जरूर अंडरलाइन करें, अगर आप किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन यूज करना चाहते हैं तो हम बात करते हैं टी टेस्ट की, और अगर मोर देन टू ग्रुप्स हैं तो हम बात करते हैं एफ टेस्ट की। तो यहां पर अगर मैं कोड की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन, तो कंक्लूजन हम क्या पढ़ेंगे कि टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट दोनों की अजम्पशन सेम है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है साहब कि अगर आपको किन्हीं दो ग्रुप से में कंपैरिजन करना है तो आप टी टेस्ट यूज करेंगे, दूसरा स्मॉल सैंपल साइज, और फिर मोर देन टू तो हम क्या यूज करेंगे, एफ टेस्ट। चलिए इसके बाद कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following are considered as a non-parametric test? ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन नेट में, और ये रिसेंटली 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। तो अगर आप टेस्ट की लिस्ट देखेंगे तो आपको 5 काइंड ऑफ टेस्ट दे रखे हैं, ए से लेके ई। तो पहली बात, जो हमारे सिलेबस में न्यूली एडिशन है मैन विटनी टेस्ट, जिसको हम यू टेस्ट बोलते हैं, प्योरली नॉन पैरामेट्रिक। सेकेंड एक और न्यूली एडिशन है, दैट इज क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, ये भी नॉन पैरामेट्रिक है। एफ टेस्ट नहीं पैरामेट्रिक है, टी टेस्ट पैरामेट्रिक है, और काई स्केयर भी क्या है, नॉन पैरामेट्रिक। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ए बी ई, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ए बी एंड ई, दैट इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, तो पैरामेट्रिक आई होप आप समझते होंगे, जो किसी भी अजम्पशंस को फॉलो नहीं करता, कि साहब पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन के इक्वल है या नहीं है, ऐसी हम कोई बात नहीं करते कि सैंपल आपने किस पॉपुलेशन से लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, अगेन टू लिस्ट आर देयर, यू हैव टू मैच। देखें आप ये दो लिस्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, आपको देखने में आसानी होगी। सी Z टेस्ट, F टेस्ट जिसको हम अनोवा बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, काई स्केयर टेस्ट एंड क्रुस्कल वैलिस टेस्ट, इनके सामने लिस्ट 2 में आपको 1 से लेके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव टू रीड एंड मैच द बोथ द लिस्ट। तो 1 by 1 हम पढ़ते हैं दोनों को, देखें आप। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कंपेयरिंग द डिफरेंस इन द मीन वैल्यूज among more than 2 samples, और 2 sample जो लेने हैं और डाटा कौन सा है, parametric। ठीक है, more than 2 sample अभी हमने बात की थी, तो ये जाएगा ANOVA के साथ, F test के साथ। दूसरा option पढ़ते हैं, testing the significance of the difference between average of 2 large size sample। large size word आ गया तो हम जाएंगे किसके साथ, Z टेस्ट के साथ। तो हम ये कह सकते हैं सब A का ऑप्शन 2 है, B का ऑप्शन 1 है। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट वन, कंपेयरिंग द डिफरेंस इन द मीन वैल्यूज ऑफ मोर देन 2 सैंपल, बट ये टेस्ट कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी नॉन पैरामेट्रिक। तो नॉन पैरामेट्रिक के नाम पे हमारा जो D ऑप्शन है वो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रुस्कल वैलिस टेस्ट। ठीक है, एंड लास्ट बचा कुछ एक ही है, वो है काई स्केयर। काई स्केयर के फीचर क्या होते हैं,
सर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स। ऑल्दो काइस्केयर को और भी कई जगह हम यूज करते हैं, वो मैं आने वाले क्वेश्चन में कवर करूंगा। तो यानी कि आपके अगर ऑप्शन की बात करें, ए गोज विद द सेकंड, बी गोज विद द वन, सी विद द फोर्थ, तो अगर इन ऑप्शंस को मैं कंपेयर करता हूं तो आपके सामने ये आंसर बनेंगे। ठीक है, आप इनमें चेक कर सकते हैं, ए जा रहा है साहब आपका टू के साथ, बी जा रहा है वन के साथ, सी जा रहा है फोर के साथ और डी जा रहा है थर्ड के साथ। तो राइट आंसर इज द थर्ड। क्लियर, तो थर्ड ऑप्शन आप इसको देख सकते हैं। चलिए कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पर एक इंडिविजुअल टेस्ट लिया हमने, उसको बोलते हैं काइस्केयर, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ काइस्केयर टेस्ट। तो काइस्केयर टेस्ट की एप्लीकेशन कहां कहां होती है? ऑप्शन गिवन है, टेस्ट ऑफ द फ्रीडम, टेस्ट कंसर्निंग द वेरियंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट ऑफ द गुडनेस ऑफ इट। तो राइट आंसर विल बी द डी। इन सभी जगह पर काइस्केयर टेस्ट का यूज होता है। और एक और बात, काइस्केयर प्योरली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। जब हम पॉपुलेशन वेरियंस की बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं। बाकी सभी जगह चाहे आप गुडनेस ऑफ फिट की बात करें तो वहां पर हम बोलते हैं काइस्केयर इज ए नॉन पैरामेट्रिक, दैट्स व्हाई इट इज ए पार्शली पैरामेट्रिक। प्लीज माइंड इट, इट्स ए पार्शली पैरामेट्रिक। चलिए, तो फोर्थ का आंसर क्या रहेगा? डी। कम टू द फिफ्थ, सिंपल क्वेश्चन कि साहब अनोवा किसने दिया? एनालिसिस ऑफ वेरियंस टेस्ट अनोवा वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर फिशर, नेम ऑफ द ऑथर हु एडवोकेटेड दिस मेथड। सिंपल। कम टू द नेक्स्ट वन, अगेन एफ टेस्ट इज देयर। अब क्वेश्चन आता है एफ टेस्ट का साहब यूज कहां होता है? इट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देखें आप, कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सैंपल ग्रुप्स, नो ऐसा नहीं है। कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन में यानी कि दोनों ऑप्शन आप कट कर सकते हो, काम नहीं आने वाला, एफ टेस्ट यहां नहीं आता। एवरेज बिटवीन टू सैंपल ग्रुप्स, नो। तो राइट आंसर विल बी द डी, एवरेज ऑफ मोर देन टू, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मोर देन टू सैंपल ग्रुप्स हम पहले भी बात कर चुके हैं, वहां पर क्या लगेगा? एफ टेस्ट। चलिए सिक्स के बाद सिंपल एक क्वेश्चन आता है, जब हम सैंपलिंग करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, तो उसमें एक टेस्ट आता है लार्ज सैंपल के लिए, उसका ये क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दो हाइपोथेसिस होती है हमारी, नल एंड अल्टरनेटिव। नल को हम बोलते हैं एच जीरो, अल्टरनेट को बोलते हैं एच वन। तो एच जीरो क्या कहता है? एम वन इक्वल्स टू एम टू, ठीक है, और एच वन यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ डॉट्स में, एम वन इक्वल्स टू एम टू की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है lesser than M2. M1 is lesser than, यानी कि जो हमारी alternative hypothesis है that may be, इसके against मैं करूं क्या हो सकती है? वो ये भी हो सकती थी। अगर lesser than या greater than है तो हम बोलते हैं साहब ये one tail है, या तो right tail है या left tail है, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल टू है, ये वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो हम बोलते हैं दिस इज ए टू टेल टेस्ट। तो पहली बात आप यहां पर कैच करेंगे इस बात को, ये कौन सा है साहब? इट्स ए वन टेल टेस्ट। सेकंड, किसकी वैल्यू है? क्रिटिकल वैल्यू किसकी? जेड की, जो कि लार्ज सैंपल है। लार्ज सैंपल का मीनिंग दे रखा है आपको मोर देन 30। ये भी एक क्वेश्चन और तैयार हो गया आपका, 30 या 30 से कम स्मॉल सैंपल, मोर देन 30 लार्ज सैंपल, और टेस्ट कौन सा लगाएंगे? जेड। तो जेड के अंदर लार्ज सैंपल में मोर देन 30 आइटम्स के अंदर वन टेल टेस्ट में वैल्यू क्या होगी? कौन सी वैल्यू? क्रिटिकल वैल्यू, जिससे हम कंपेयर करेंगे हमारी एक्चुअल वैल्यू को। तो उसके लिए आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ती हैं। और अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा था? 5%। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, अल्फा पे वैल्यू क्या रहेगी? 1.645। अगर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू 1.645 से कम आती है, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कंप्यूटेड वैल्यू विल बी कंपेयर्ड विद द
क्रिटिकल वैल्यू, और यहां क्रिटिकल वैल्यू मैंने ली है 1.645. सपोज माई वैल्यू कम्स टू 1.52 which is less than the critical value, then what would you say? F0 को accept कर लो. It means कि Z के अंदर जब sample का size large होता है, अगर आपका difference 1.645 तक आ गया तो वो acceptable है, यानी उस case में हम null hypothesis को accept कर लेंगे. और null hypothesis हमेशा एक simple statement होती है, there is an insignificant difference between the population parameters and the sample statistics. I'm repeating my words, there is a no difference between population parameters and sample statistics, that is called null hypothesis. और वो accept कब होगी? जब आपकी computed value critical value से कम आ जाती है. I hope you got my point. Good. Come to the next. Which test was normally applied for the qualitative data? कौन सा टेस्ट कहता qualitative data? Qualitative data के लिए हम यूज करते हैं साहब chi-square test. कौन सा? Chi-square test, जिसका सिंबल क्या होता है? Earlier I said this is chi-square test. चलिए जी, ninth. Yes. जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें एक ये सिंबल आता है, दिस इज कॉल्ड बीटा. बीटा एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग रेफर्स टू, दिस इज कॉल्ड टाइप टू. टाइप वन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा. टाइप टू को हम क्या बोलते हैं? बीटा. और ये इसका सिंबल होता है, वो क्वेश्चन में गिवन है. तो यहां पर मेरा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा टाइप टू एरर. ओके, नाउ कम टू द लास्ट. अगेन टू लिस्ट आर देयर, यू हैव टू कंपेयर. तो आप देखें, फोर ऑप्शंस आर देयर, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू. सबसे पहले पढ़ते हैं chi-square टेस्ट, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी, मल्टीवेरिएट डाटा प्रोसेसिंग. अब इसमें जो ये डाटा प्रोसेसिंग वाला वर्ड है, बेसिकली ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन था, तो हमें कंपेयर करना है. आप देखें, ये दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वन बाय वन आ जाओ. सबसे पहली बात chi-square टेस्ट क्या होता था? इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, तो ए का आएगा थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है. उसके बाद फर्स्ट, सॉरी ये ना ए आना चाहिए यहां पर, ए का थर्ड, यहां बी सी डी. आगे देखते हैं एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज. कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो क्या होती है साहब? सेकेंडरी डाटा होती है, ठीक है. एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज गोज विद द सेकेंडरी डाटा, ठीक है. इसको आप छोड़े, मैं यहीं से मैच कराता हूँ आपको, ये जाएगा इसके साथ. मल्टीवेरिएट, मल्टीवेरिएट गोज विद द फैक्टर एनालिसिस. मल्टीवेरिएट ना कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, और डाटा प्रोसेसिंग जाएगा आपका इंफॉर्मेशन के साथ. अब मैं इनको आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं कंसेप्ट को. अगर मैं यहां मैच करूं, दिस chi-square क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है. एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कंपनी सेकेंडरी डाटा होता है. मल्टीवेरिएट फैक्टर होता है, और डाटा प्रोसेसिंग होता है साहब इंफॉर्मेशन सिस्टम. So this is all about the 10 questions of the statistical test. और ऐसा नहीं है कि इन 10 questions में हमारा test का chapter ही complete हो गया. We will come with another video of the same 10 questions and having the same topic, that is statistical test. तो उसको देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.